और ये आगे धनिया के आलू, धनिया के आलू पड़ेगा। तो देख रहा है गुड़ और खटाई, ये प्योर गुड़ प्योर खटाई, देसी खटाई देसी गुड़। क्या कह रहे हैं आप? मैंने भैया इनका कोई जोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है मामले में, इनका कोई जोड़ नहीं है। अब इसमें पता हरी धनिया हरा मिर्चा कई था डेली लगती है, मगर खाने के लिए इन्हीं की दुकान जरूर आते हैं। अच्छा, क्योंकि चाहे किसी एरिया में हो मगर आते हैं। तो आज की वीडियो में आपको लेकर गए भाई लाटूस रोड कानपुर की सबसे फेमस पापड़ी चाट खिलाने के लिए। और भाई अंकल जो है वो हमेशा से यही जमीन पर बैठ कर बेचते, तो चलो। तो अंकल जी राम राम। राम राम भाई जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो सबसे पहले ये बता दीजिए आपका शुभ नाम क्या है? श्यामू कश्यप नाम हमारा। और शॉप कितनी पुरानी हो गई अपनी? शॉप हो गए कम से कम 54 साल। 54 साल और ऐसा ही जमीन पर बैठ के दे रहे हैं? हमारे पिताजी पहले ऐसे लगाते थे, उसके बाद उनके खत्म होने के बाद हम लोगों ने चालू कर दिया। अच्छा, आप तीन लोग लगाते हो? हाँ, चार भाई थे, तीन लोग, एक भाई बड़े वाले खत्म हो गए। अच्छा, तीन भाई सुन रहे थे, तीनों भाई हम लोग। ये तीनों लोग हैं आप लोग? तो सबसे बड़े कौन है? ये सबसे बड़े, हम छोटे, हमसे छोटे ही है ये, सबसे छोटे ही है। शॉप की टाइमिंग क्या है? टाइमिंग जो 2:30 बजे आ जाते हैं हम लोग। हाँ, और करीब 9:30 बजे तक टाइमिंग है, उसके पहले कभी 8 बजे पड़ जाए 7 बजे पड़ जाए दुकानदारी को, मतलब जैसा माल। हाँ हाँ। तो अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी गई है, जैसे आप उस दिन बता रहे थे कि लोगों ने डाला, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे वो भैया ऐसा भीड़ लगी थी। हाँ। और वो जबरदस्ती इनके भैया बोले माइक लगा लो, हम जो पूछे बताते हैं ना। हाँ। अब ये बोले अपने मन से आप बना लो, जो अपना हो अपना डाल देना, और उनको कुछ खराब लग गया तो अपने मन से उन्होंने उल्टा सीधा अपना जो भी। और जबकि कानपुर के लोग सबसे ज्यादा ये चाट पसंद करते हैं, पूरा लाटूस रोड क्या कानपुर खाने आता है? सब कुछ खाने आते हैं भैया, यहाँ 20-25 साल 50-50 साल हो गए लोग खाते चले आ रहे हैं, और आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, ना कभी कोई किसी का पेट गड़बड़ हुआ। 40 साल आपको होगा अंकल खाते खाते? टाकीज के पास एक बार फिर से बोल दीजिए बात आप। तो अंकल कुछ कह रहे हैं? अंकल तो खा चुके हैं, अंकल क्या कह रहे हैं आप? मैंने भैया इनका कोई जोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है मामले में, इनका कोई जोड़ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले लोगों ने डाली थी कि कानपुर की सबसे घिनौनी चाट बोल दिया था, कहने वालों कहने दीजिए, कहने से जबकि हर चीज बनाई तो हाथ से ही जाती है। बिल्कुल, पैरों से भी कुछ चीजें बनाई जाती है, लोग खाते हैं, स्वाद का भी कोई जोड़ नहीं है। ओके अंकल, थैंक यू, एक नंबर आइटम है। तो ये यार अपनी मीठी चटनी अंकल किस चीज की बनी होती है? ये गुड़ और खटाई, ये प्योर गुड़ प्योर खटाई, देसी खटाई देसी गुड़। और जमाने से यही बना रहे हैं? जैसे चटनी बन रही शुरू से, आज से 50-54 साल से। ये जी हो गए अपने धनिया के आलू, अंकल इस पे क्या क्या डालते हैं? इसमें पता हरी धनिया हरा मिर्चा कई था, तीन कई था, हरी धनिया मिर्चा नमक दो पत्ते। टिक्की चाट मिलते हैं? हाँ, ये चाट के साथ मिला के देते हैं, अलग से भी मिलता है, चाट के साथ मिला के भी देते हैं। दही बड़ा खाया हूँ और बड़ा मजा आ गया, मस्त है। और इनका आलू और खस्ता सभी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, खाने में बहुत स्वादिष्ट। तो आप कितने दिनों से खा रहे हैं इनका? जी इनका कितने दिनों से खा रहे हैं आप? अरे बहुत जमाना हो गया बाबू, जमाना हो गया आपको। तब तो इनके बालों नहीं सफेद थे ना। अच्छा, जब काले थे तब से खा रहे हो आप? जी जी। तो ये आपने हरी आलू दोबारा लिए हैं? हरी वाली दोबारा लिया, बहुत मजेदार है। पापड़ी लगाए कुत्ता भैया, और बहुत स्वादिष्ट है बाबू जी, हमेशा और खाइए, हमेशा खाएं आकर के। जी जी। और आफिस से आपका शुभ नाम क्या है? सुखराम। कभी कभी आते कभी कभी जब ये लोग बुलाते हैं। अच्छा, ये खुद फोन करते हैं। ये रोड शॉप तो रोजी लगती है जी, शॉप तो रोजी लगती है, शॉप डेली लगती है। हाँ। मगर खाने के लिए इन्हीं की दुकान जरूर आते हैं। अच्छा, क्योंकि चाहे किसी एरिया में हो मगर आते हैं। चलिए आप अपनी धनिया आलू खा लीजिए। खस्ता है, पापड़ी है, पालक है, बैगनी है, दही बड़े है, आलू धनिया है। आलू धनिया, तो पत्ता कितने रुपए का होता है? पत्ता 30 रुपए का होता है, पत्ते में 2 पीस आते हैं। अच्छा, और अगर सिंगल लेना चाहे कोई? सिंगल 20 रुपए का सिंगल पीस है। तो लगाइए एक प्लेट जरा। सिंगल वाला डबल वाला? डबल, एक पूरी प्लेट लगा दीजिए। ये पत्ते वाली बना दे, ये खस्ता तोड़ के बना दे। हाँ, तोड़ के ऐसे भी बनाते हैं? हाँ, भर के भी बनाते हैं। तो ये सबसे पहले हमने खस्ता क्रश करके तोड़ के दिया गया भाई, और ये आ गई पापड़ी। इसके बाद ऊपर से ये नमक डाल रहे हैं, नमक है काला वाला, मिर्चा मसाला, ये जीरा, काली मिर्च, ये लाल मिर्चा रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा। और ये आ गए धनिया के आलू, धनिया के आलू। तो देख रहे हो आप, धनिया के आलू अच्छी तरह से इसमें मिक्स करी जा रही है खस्ता और पापड़ी में। और ये आगे मीठी चटनी, तो लोग जैसे कह रहे थे कि हाथ से तोड़ने की वजह से गंदी बना दी थी, लेकिन आपने देखा पापड़ी वगैरह तोड़ने के लिए सिर्फ हाथों को यूज किया, बाकी आप स्पून से अंकल डाल रहे हैं चटनी जो भी है मीठी वाली। बाकी सब चम्मच से ही है। और ये ऊपर से दही बड़े लिए दही आ गए, और ये आगे लकड़ी ला चम्मच, और फिर से ऊपर से मसाले डाले जा रहे। तो फाइनली तैयार हो चुकी है अपनी चाट, देख रहे हो आप, और इसका प्राइस है वो 30 रुपीज है। तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं।
और जब ये चाट खाओगे तो उसी के बाद इसका टेस्ट जान पाओगे कि इतनी भीड़ क्यों लगती है भाई, मसाले वगैरह। और अगर स्पाइसी नहीं खाते तो मना कर देना, मिर्ची नहीं डली जाएगी लाल वाली। फ्लेवर इतना गजब का आ रहा है, और चटनी डालने में कोई कंजूसी नहीं कर जाती है, क्योंकि चाट वगैरह खाओ तो जब तक चटनी अच्छे से ना पड़ी हो तो चाट खाने का कोई मज़ा नहीं आता। लेकिन इसमें चटनी इतनी डाली गई कि पापड़ी और खस्ता वगैरह और साथ में जो हरी आलू दी गई थी बिल्कुल मिक्स हो गई है। तो इसको खाने में वो मज़ा आएगा जो अच्छी अच्छी चाट नहीं खाने में, और 54 साल पुरानी भाई शॉप है तो टेस्ट तो मिल ही रहा है। तो फाइनली फिनिश करते हैं अपनी चाट, और आप भी आओ और ट्राई करो आकर के। से गाइस आपको यहाँ पर भीड़ का कोई जवाब नहीं है, इतनी भीड़ मिलेगी, और इवनिंग में आप आओगे तो और ज़्यादा भीड़ मिलेगी। तो चलिए लोकेशन देखते हैं। तो जब आप मूलगंज चौराहे से आ रहे होंगे, जा रहे होंगे बांस मंडी चौराहे के लिए, तो शॉप आपको राइट हैंड में मिलेगी, और जब इधर से आ रहे होंगे बांस मंडी चौराहे से और जा रहे होंगे मूलगंज के लिए, तो शॉप आपको लेफ्ट साइड में मिलेगी। और अपोजिट बना हुआ है वो फेमस लैंडमार्क होटल नोवेलिटी, और उधर बना हुआ है पुलिस चौकी कुली बाजार, दो फेमस लैंडमार्क है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कानपुर वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।